नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा पर कांसीराम आवास पुरानी जेल के पीछे प्रत्येक घरों में कॉलोनी वासियों द्वारा जन सहयोग से दीपक तेल बाती देते हुए सभी से आग्रह किया गया कि श्री रामलला के आगमन पर अपने घरों में दीपक जलाएं और पूजन अर्चन करें। वहीं भगवा ध्वज और गुब्बारे से कॉलोनी को आकर्षक रूपों से सजाया गया। वहीं युवा बच्चे ढोलता से डीजे के धुन पर थिरकते हुए जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। पूजन के उपरांत कहीं प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। देर रात तक आतिशबाजी होती रही। इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम भाई एकता का परिचय देते हुए शामिल हुए। इस मौके पर अंकित चौरसिया, गोपाल चौधरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मेरा नाम अमित विश्वकर्मा है। हम लोग सभी लोग जो है कांसीराम आवास पुरानी जेल के पीछे से सभी लोग मिल करके यह कार्यक्रम किया जा रहा है। भगवान राम इतने सालों बाद आ रहे हैं, लगभग 500 सालों बाद आ रहे हैं। हम लोग अपने सारी खुशी से सब लोग मिलजुल कर यह प्रोग्राम कर रहे हैं। कांसीराम आवास में प्रत्येक घर दीपक जले, इसलिए हम लोगों ने मिलजुल कर यह प्रोग्राम किया है और सबके घर में चार चार दीपक और तेल के साथ हम लोग सारा कुछ दे रहे हैं ताकि राम के लिए लोग दीपक जलावें और भगवान से मनोकामना अपने जो है करें जो है, और भगवान सबको खुश रखे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।